समझते हैं इसे, इसकी व्याख्या भी तो समझो तुम। क्या हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए तो क्या हम मोमिन हो गए? मुसलमान होना और है, मोमिन होना और। मोमिन की जो व्याख्या आप हदीस पाक में सुनेंगे तो उसकी बहुत सारी अलामतें हैं। इन अलामतों को हम पाएंगे तब हम अपने अंदर ईमान की सिफत को पाएंगे। आप गालिबन 18वां पारा कद अफलहल मुमिनून, इसकी जितनी आयतें आप पढ़ लें, जो ईमान वालों की व्याख्या अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन कामयाब हुए जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। क्या कभी हमें हमारे अंदर ये कैफियत पैदा हुई? नहीं। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजें खुशू और खुजू के साथ अदा करते हैं और इसमें वो ज़कात अदा करते हैं, वो लगव बात नहीं करते, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। कि मोमिन की व्याख्या कुरान में बयान,